हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने असाइनमेंट के लिए फ्रंट पेज कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और आपको अपने फ्रंट पेज में क्या-क्या डिटेल्स फिल करनी है और कहाँ से ये डिटेल फिल करनी है। तो दोस्तों, बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यदि अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो दोस्तों, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जब आप अपना असाइनमेंट बनाते हैं तो अपने असाइनमेंट में आप फ्रंट पेज यूज़ करते हैं। सबसे ऊपर का जो पेज होता है उसे फ्रंट पेज कहते हैं। इसमें आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी होती हैं। तो आपको ये फ्रंट पेज कहाँ से डाउनलोड करना है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास फ्रंट पेज नहीं है तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां से ये फ्रंट पेज ले सकते हैं। इसके बाद ये फ्रंट पेज जो है, इसमें आपकी सारी डिटेल्स कैसे फिल होगी और कौन कौन सी डिटेल आपको यहाँ पर फिल करनी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी नाम शो हो रहा है। इसके बाद आपको यहाँ पर शो हो रहा है असाइनमेंट सबमिशन फॉर टर्म एंड एग्जाम, यानी आप किस टर्म एंड एग्जाम के लिए यहाँ पर असाइनमेंट सबमिट कर रहे हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अभी आपके जो असाइनमेंट सबमिट हो रहे हैं वो दिसंबर 2021 टर्म एंड एग्जाम के लिए सबमिट हो रहे हैं। तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है? दिसंबर 2021। तो यहाँ पर आपका दिसंबर 2021 आएगा। इसके बाद जब आप नीचे जाएंगे तो नीचे आपको फर्स्ट नंबर पॉइंट में देखने को मिलेगा इनरोलमेंट नंबर। तो इनरोलमेंट नंबर आपको लिखना है। अब ये इनरोलमेंट नंबर क्या है? तो आपको आपका एडमिशन कंफर्म होने के बाद एक आईडी कार्ड मिला होगा। उस आईडी कार्ड में आपको आपका इनरोलमेंट नंबर मिल जाएगा, वो आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद सेकंड नंबर पे यहाँ पर लिखा हुआ है नेम ऑफ द स्टूडेंट। आपका जो भी नेम है, जो भी आपका नेम आईडी कार्ड पर है या फिर आपका जो भी नेम है, आपको यहाँ पर फिल करना है। देन इसके बाद थर्ड नंबर पॉइंट में बता रहा है स्टूडेंट एड्रेस। तो आपका जो भी एड्रेस है, आपने जो भी एडमिशन के टाइम पर एड्रेस फिल किया था, वो यहाँ पर आपको एड्रेस फिल करना है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रोग्राम टाइटल और प्रोग्राम कोड। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट रहता है कि हमारा प्रोग्राम टाइटल और कोड क्या है, क्योंकि उन्हें प्रोग्राम नहीं पता होता कि उन्होंने कौन सा प्रोग्राम लिया है। तो प्रोग्राम किसे कहते हैं? जैसे कि आपने BA में एडमिशन लिया है तो आपका प्रोग्राम टाइटल क्या है और आपका प्रोग्राम कोड क्या है। तो आपने अगर BA में एडमिशन लिया है तो यहाँ पर आपका प्रोग्राम टाइटल जो होगा वो होगा बैचलर ऑफ आर्ट्स। इसके बाद आपका जो प्रोग्राम कोड होगा वो होगा BAG। या फिर अगर आपने किसी और प्रोग्राम में एडमिशन लिया है, जैसे कि आपने MPS में एडमिशन लिया है, तो इसमें आपका जो प्रोग्राम टाइटल होगा वो होगा मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस और आपका प्रोग्राम कोड होगा MPS। तो ऐसे आपको अपना प्रोग्राम टाइटल और कोड फिल करना है। अब आपको ये प्रोग्राम टाइटल और कोड कहाँ पर देखने को मिलेगा? तो जब आप एडमिशन लेते हैं तो आपको एक एडमिशन स्लिप मिलती है, या फिर जब आप अपना एडमिशन स्टेटस डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगा। आप अपने आईडी कार्ड में भी देखेंगे, आपके आईडी कार्ड में भी आपका प्रोग्राम कोड जो है वो लिखा होता है। तो आप ऐसे अपना प्रोग्राम कोड यहाँ पर लिख सकते हैं और अपना प्रोग्राम टाइटल लिख सकते हैं। इसके बाद आपको नेक्स्ट दिया हुआ है फिफ्थ नंबर पॉइंट में कोर्स टाइटल। अब ये कोर्स टाइटल क्या है? तो अलग अलग सब्जेक्ट के लिए जितने भी आपके असाइनमेंट है, तो अलग अलग कोर्स के लिए अलग अलग कोर्स टाइटल और कोर्स कोड यहाँ पर आपको फिल करना है। बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं इसी कंफ्यूजन में रहते हैं कि हमें कोर्स टाइटल और कोर्स कोड में क्या फिल करना है। तो दोस्तों, आपने जो भी एडमिशन लिया है, जिस भी प्रोग्राम में एडमिशन लिया है, तो उसमें आपको कुछ सब्जेक्ट दिए होंगे। आपने अगर मास्टर डिग्री के लिए एडमिशन लिया है तो आपके 4 सब्जेक्ट होंगे, और अगर आपने बैचलर डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन लिया है तो आपके 8 सब्जेक्ट यानी 8 कोर्स होंगे। तो सभी के लिए अलग अलग कोर्स और अलग अलग उसका टाइटल होता है। तो आपको ये यहाँ पर फिल करना है। अगर आपको नहीं पता है कि आपका कोर्स कोड या कोर्स टाइटल क्या है, तो आपने जब एडमिशन लिया था तो आपके एडमिशन स्लिप पे कोर्स टाइटल और कोर्स कोड दोनों आपको वहाँ पर मेंशन है। आप वहाँ से देखकर यहाँ पर फिल कर सकते हैं। इसके बाद आपको नेक्स्ट दिया गया है रीजनल सेंटर नेम एंड कोड। अगर आपको रीजनल सेंटर नेम और कोड नहीं पता है कि आपका रीजनल सेंटर क्या है, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आपके एडमिशन स्लिप में भी ये लिखा होता है कि आपका रीजनल सेंटर क्या है, या फिर आप इग्नू की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, या फिर आप मेयर से भी पूछ सकते हैं कि आपका रीजनल सेंटर नेम और कोड क्या है। इसके बाद स्टडी सेंटर नेम और कोड। अब यहाँ पर स्टडी सेंटर नेम कोड क्या है? तो आपने एडमिशन के टाइम पे जो भी स्टडी सेंटर चूज किया था, तो आपको उस स्टडी सेंटर का नेम प्लस
प्लस उसका कोड यहाँ पर फिल करना होगा। इसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालनी है। आपका जो भी वैलिड मोबाइल नंबर ईमेल आईडी जो आपने इग्नू में दिया था वो यहाँ पर आपको फिल करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर सिग्नेचर करने है और जिस दिन भी आपको असाइनमेंट सबमिट करना है वो यहाँ पर आपको डेट फिल करनी है। तो ऐसे आपको ये सारी डिटेल फिल करनी है वन बाई वन, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। अगर आपको ये डिटेल फिल करनी नहीं आ रही है कि आपको ये डिटेल कैसे फिल करनी है, आपको कोई भी कन्फ्यूजन है कि आपका प्रोग्राम कोड क्या है, कोर्स कोड क्या है, तो आप सिंपली या तो आप अपने एडमिशन स्लिप में देख सकते हैं या फिर आप अपने आईडी कार्ड में देख सकते हैं। और अगर आपको फिर भी नहीं पता है तो आपको क्या करना है, आपको अपना इग्नू रजिस्ट्रेशन स्टेटस चेक करना है। वहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी, आपको सब्जेक्ट कोड भी मिल जाएंगे, आपका रीजनल सेंटर कोड भी मिल जाएगा, आपका स्टडी सेंटर कोड भी मिल जाएगा, आपका प्रोग्राम कोड है, ये सारी डिटेल आपको वहाँ पर मिल जाएगी। इसके लिए आप मेरी ये वीडियो देखें, इसमें आपको बताया गया है कि आप अपना एडमिशन या रजिस्ट्रेशन स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं। इसमें आपको सारी डिटेल A to Z जितनी इन्फॉर्मेशन है आपके प्रोग्राम कोड के बारे में, आपके कोर्स कोड के बारे में, आपका एनरोलमेंट नंबर, नेम, ये सारी डिटेल आपको वहां पर शो हो जाएगी। तो दोस्तों आई होप आपको ये सारी इंफॉर्मेशन समझ आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे फॉलो करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। धन्यवाद।